वीडियो, आई होप यार अच्छी लगी होगी आप लोगों को। सो ये मेरा चेस्ट वर्कआउट था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की है इस चेस्ट वर्कआउट में और उसके बेनिफिट क्या क्या है। सो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। सो ये जो एक्सरसाइज है ये हमें हमारी अपर चेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है, और इसी एक्सरसाइज के साथ मैंने इंक्लाइन फ्लाइज भी लगाए डंबल विद द हेल्प ऑफ डंबल। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों एक्सरसाइज का, ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा आपकी अपर चेस्ट को फटीग करने में और उसको डेवलप करने में। सो इस एक्सरसाइज को आप प्लीज़ ट्राई करना। एंड मेरा जो मेन मोटिव था इस एक्सरसाइज को पहले करना, जो अपर चेस्ट होती है वो थोड़ा हार्ड होता है बिल्ड करने में, वो ईजिली नहीं बिल्ड होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत सारे लोगों का वो वीक स्पॉट है एंड मेरा भी है। सो दैट्स वाई मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरा वीक पार्ट है उसको मैं सबसे पहले ट्रेन करूँ एकदम फ्रेश, ताकि मैं ज़्यादा पुश कर सकूँ। सो इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल ऐड करना अपने रूटीन में। सो थर्ड एक्सरसाइज हमारी फ्लैट बेंच प्रेस थी, और ये हमारे ओवरऑल चेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड वो इसके साथ जो मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म की थी वो फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई था। ये दोनों एक्सरसाइज भी आपके चेस्ट को फटीग करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी आपको। एंड जो भी हम कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमारा एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व है, जैसे जो भी हम बारबेल के थ्रू प्रेसेस कर रहे हैं उसमें हमारे बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे उसमें हैवी जाओ। एंड हैवी भी इतना जाना है कि जो वेट आप उठा सको, ये नहीं कि आप इतना हैवी लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको लोगों से तीन तीन दो 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 लोगों से आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है, ठीक है, उतना हैवी नहीं जाना है, बट अपने हिसाब से हैवी जाना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी हमारी वो थी पैक डेक फ्लाई। सो इस एक्सरसाइज में भी हमारा चेस्ट एक तरीके से स्ट्रेच होता है एंड देन हम आगे ले जाके इसको स्क्वीज करते हैं। सो स्ट्रेच हुआ, फटीग हुआ, चेस्ट डेवलप हुआ। देन द सेकेंड पार्ट, इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अ लाइन हेयर। इफ यू कैन सी दिस, माई लाइन इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डेवलप, इफ यू कैन सी दिस लाइन। सो इस एक्सरसाइज के थ्रू जब हम प्रेस करते हैं इस तरीके से, हम स्क्वीज करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ना मास बिल्ड होना शुरू होता है एंड देन इट बिकम लाइक सेपरेट दिस मास हेयर फ्रॉम हेयर एंड एक लाइन जो है ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। सो पैक डेक फ्लाई हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी मेरी वो थी केबल क्रॉस ओवर, जिसमें पुली मैंने टॉप पे फिक्स किया हुआ था। सो इस एक्सरसाइज में हमारा साइड चेस्ट, दिस वन, दिस एरिया एंड एरिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, लोअर एंड द मिडल एरिया ऑफ द चेस्ट, ये डेवलप होते हैं इस एक्सरसाइज में। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो मेक श्योर कि यार आप बहुत सही से एंड अच्छे से स्क्वीज करो इस चीज को, अपने चेस्ट को, ताकि आपको ना अच्छे से फील आए कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हिट किया है। एंड ये एक्सरसाइज ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो आफ्टर दैट आई डिड डंबल पुल ओवर। सो डंबल पुल ओवर जहाँ तक मैंने लोगों को देखा, मैं वीडियोस भी देखता हूँ, तो मेरे को बहुत कम ही लोग ये एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं करते ये लोग। मे बी कभी कभी मेरे को भी फील नहीं आता है एक्सरसाइज को करने में, बट मीन्स इसका जो पोस्चर है, व्हाट आई फील इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट वो प्रॉपर पोजिशन और वो प्रॉपर जो हिट करना चाहिए मसल वो नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई आई थिंक लोग इसको स्किप करते हों। सो ये जो एक्सरसाइज है डंबल पुल ओवर, ये हमारे लोअर चेस्ट के नीचे जो मसल होते हैं, हेयर, दिस वन, इफ यू वॉन्ट मी टू शो, आई एम शोइंग यू, दिस एरिया, दिस इट्स हेल्प अस टू बिल्ड दिस एरिया एंड ये हमारे बैक को भी इम्प्रूव करती है। सो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है और आप परफॉर्म कर सकते हो, और मेक श्योर कि यार ये एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर पोजिशन, एक प्रॉपर आई कैन से दैट एक प्रॉपर फॉर्म के साथ करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हिट करेगी। सो ये मेरा चेस्ट वर्कआउट था एंड मेरे को बहुत मज़ा आया ये एक्सरसाइज करके। सो आप भी इस चीज़ को ट्राई करना और बताना मेरे को कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी कि नहीं लगी परफॉर्म करते टाइम। एंड
थैंक यू अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, और आई एम ट्राइंग टू लाइक बी कम्फर्टेबल विद द कैमराज बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रंट ऑफ कैमरा, बट आई एम ट्राइंग एंड अच्छे से करूँगा मैं इस चीज़ को, एंड मैं और अच्छा कंटेंट और ट्राई करूँगा कि मैं और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ताकि जो भी लोग जो जिम वगैरह शुरू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। एंड कभी कभी मेरे को लाइक जिम में बहुत क्राउड मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि मतलब हमारी कंट्री कितनी मतलब आगे बढ़ रही है लाइक फिजिकल फिटनेस को लेके। सो एक ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। एंड जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, अगर वो नहीं करते हैं मेक श्योर प्लीज़ ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि जिम शुरू करो, आप कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, पुशअप, चिन अप्स, पार्क में घूम लिया वगैरह वगैरह। ट्राई करो एंड फिट रहो यार, बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में भी।